नैब चेयरमैन और अपने चेलों के साथ एविडेंस ले आए। अगर वो एविडेंस जनाब स्पीकर मेरे खुदा ना खासा खिलाफ हुआ तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ जाऊंगा। कौमी असेंबली का इजलास 17 अक्टूबर 2018 को स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के शुरू होने से पहले नैब की टीम ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार कायदे हज़्ब इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली पहुंचा दिया। मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर की। अपोजिशन लीडर ने कौमी असेंबली में कहा कि नैब और पीटीआई का चोली दामन का साथ है। मुझसे कहा जाता है कि आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही दें। मैंने कहा कि आपने मुझे वादा माफ गवाह बनाने के लिए यहां बुलाया है। नैब से कहा कि आपको ख्याल नहीं आता कि ये इंतहाई शर्म बात है। मुझे इलम था कि नैब के अंदर मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाए जा रहे हैं और इनको अच्छी नौकरियां और ओहदे देने का वादा भी किया जाता है। मेरी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स 6 जुलाई से 13 जुलाई के दरमियान दिए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद जमनी इंतखाब से पहले किया गया ताकि नतीज पर असरअंदाज हुआ जा सके। लेकिन हक ताला का निजाम है कि वो सीटें जो आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जीती वही जमनी इंतखाब में इनके हाथों से निकल गयी। इजहाक यूनस 25 न्यूज़ इस्लामाबाद।